अच्छे से सजाया हुआ है। चलिए तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। आ जाओ सब लोग अंदर आ जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सोचती हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैठ के आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मैं तो थक जाती हूँ ना, मैं बहुत छोटी बेटी हूँ। अभी मैं बैठती हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको अपना रूम दिखाऊंगी। तब तक मम्मा आप मेरा रूम दिखाइए सबको। मैंने अपने साथ अपने सारे फ्रेंड्स को भी बिठाया है। ये है मेरी छोटी बेबी, ये है हैमलेट, करते हैं। ये है मेरी बेटी का वॉकर। वॉकर अभी वैसे तो 2 साल की हो गई, लेकिन अभी भी इसको वॉकर में खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने वॉकर हटाया नहीं है अभी यहाँ से। और नेक्स्ट ये सारी इसकी चेयर्स हैं, ये बलून चेयर, ये सारी चेयर्स हैं। ये इसका अगेन रॉकर, जिसमें कि ये सारे अपने टेडीज़ को, सॉफ्ट टॉयज़ को ये इसमें रखती है। इसको है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और सब लोग इसमें बैठे हैं। अद्विका के रूम में एक ये वॉल स्टिकर लगा रखा है, एंड उसके बाद ये कुछ बलून्स हैं। ये बलून्स तो वैसे अद्विका के बर्थडे डेकोरेशन के हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी होते तो अद्विका को बलून से खेलना बहुत पसंद है, तो मैं इसके रूम में बलून्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इन्जॉय करती है बलून्स को। अद्विका को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, तो हमने इसका रूम का भी पूरा थीम यूनिकॉर्न बेस्ड रखा हुआ है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें इसकी यूनिकॉर्न के ऊपर ही मिलेंगी देखने को। तो ये जो कर्टन है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं अपनी डॉटर के लिए। जो है बलून, ये आप देख, स्टिकर लगाया हुआ है इसके वॉल पे, जो कि अद्विका को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी यूनिकॉर्न के है, यूनिकॉर्न थीम पे है। ये स्टिकर भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, स्टिकर है नो, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज, और ये मेरी बेटी ट्राई कर रही है कि भाई मुझे चलो अब बेड पे बिठा दो। बेड का टूर अद्विका करवाएगी। और ये है इसका कुछ रूम ऐसा थोड़ा सा मेसी। हम कितना भी ट्राई कर लें कि भाई बच्चे का रूम है, मेंटेन रहे, बिल्कुल मैनेज रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मैंने अभी इसको ठीक किया था, बट वापस से अद्विका ने इसको थोड़ा सा मैसी कर दिया है। बेड आपको दिखाती हूँ, बेड में मैंने क्या क्या किया हुआ है। ये मैंने नॉर्मली कर्टन से, कर्टन को रोल करके, मैंने कर्टन को इसको हैंग करके दोनों तरफ मैंने इसके कर्टन लगा दिए हैं। और क्योंकि थीम और यूनिकॉर्न पसंद है, तो ये अद्विका की यूनिकॉर्न बेडशीट पिलो। एंड ये मैंने इसके छोटे छोटे क्यूट से मैंने इसमें हैंग कर दिए हैं अद्विका के जो टेडी बियर्स थे छोटे वाले। और ये भी मैंने एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर इसके बेड पे टाई कर दिया है। इसको मैंने नॉर्मल थ्रेड से, छोटा सा टेडी बियर था उसको मैंने थ्रेड से बांधा हुआ है और कुछ नहीं है। मैंने ये कर्टन में इसमें हार्ट शेप के मैंने पेपर की कटिंग की, हार्ट शेप की, और फिर मैंने इसको यहाँ पे हैंग किया हुआ है ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगने लगे। और ये है आदु का बेड, ये है अद्विका का बेड। क्या गिर गया बेटा? ड्रॉप है। मैंने इसको थोड़ा सा, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो थोड़ा इतनी मेंटेन्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अद्विका का फेवरेट बैग इसमें हैंग कर दिया है। और इसमें वही सेम छोटे छोटे हार्ट्स को कट करके इसको यहाँ पे टेप से मैंने स्टिक मतलब चिपका दिया है। फिर ये है अद्विका की हाई चेयर, जिसमें अद्विका कभी कभी, हमेशा तो नहीं बट कभी कभी बैठ के इसमें ये खाना खाती है। हमेशा तो भागते रहो उसके पीछे। इतना ही मैंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना ही बेबी रूम अद्विका का रूम है, और इसमें ये कभी कभी बहुत इन्जॉय करती है। अद्विका का कंप्लीट डेकोर दिखा देती हूँ, कंप्लीट अद्विका का रूम कैसा लगता है। आप अपनी बेटी का ऐसा भी रूम डेकोर कर सकते हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। मैंने बेसिक से कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल सी बेसिक सा सेटअप है जितना मैं कर सकती थी, और बच्चों को इतना ही पसंद आता है, तो बहुत पसंद है। ये अपने बेड में बहुत ही इंजॉय करती है, इसको इसमें चढ़ा दो बस आराम से खेलती रहती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जिसके छोटे बच्चे हैं आप लोग ट्राई कीजिएगा ये सेम डेकोर।
ये जो इसकी मैट है आप देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है अमेज़ॉन से। ये पिछले एक साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है। बहुत ही प्यारी मैट है ये बच्चों के लिए। अगर इसमें बच्चे गिर भी जाते हैं ना, तो उनको कोई चोट नहीं लगती है। बहुत सॉफ्ट है ये। इवन ये इजी वॉश है, आप इसको आराम से वॉश कर सकते हैं।